तो दोस्तों क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, और ए डॉट इज द बोर ऑर्बिट दिया है, और ऑप्शन से 1, 2, 3, 4, और ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2012 में, ठीक है। तो देखते हैं सल्यूशन। सल्यूशन काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन वन मान लेते हैं। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाए, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर दोनों से स्क्वायर कर देंगे, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, आर यहाँ से पहले यहाँ शिफ्ट किया और फिर स्क्वायर कर दिया, देयरफॉर एम वी स्क्वायर यहाँ से 1 एम है, हमने यहाँ पर डाल दिया दूसरी तरफ, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास है, तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 अपॉन m इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हमें पूछा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इन सेकेंड मोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पर एन दो टू हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा हियर हियर एन इज इक्वल टू 2, देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए नॉट, देयरफॉर आर टू क्या हो जाएगा 4 ए नॉट, और यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर 4 ए नॉट का स्क्वायर m, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर a नॉट स्क्वायर m, ठीक है। देयर फोर ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये है करेक्ट ऑप्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होता लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।